राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि, तो मित्रों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि राजकुमार बासु आई के घर होता है और तभी द्वार खोलता राजकुमार बासु और देखता है भार्गवी को, और तभी आई भी आ जाती हैं। और फिर आई कहती हैं, भार्गवी ये बासु कितना भला लड़का है और वो बहुत प्रेम भी करता है तुमसे। अभी मेरे सामने रो रहा था, कह रहा था कि इसने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया है। और कहती हैं आई, अच्छा हुआ तुम आई। और फिर भार्गवी कहती हैं कुमार बासु से, मुझे आपसे एकांत में कुछ बात करनी थी। और फिर राजकुमार बासु कहता अवश्य। और तभी आई कहती है हाँ हाँ और चली जाती है वहाँ से। और फिर कुमार बासु पूछता है भार्गवी से, क्या बात करनी थी तुम्हें? और फिर भार्गवी कहती है, मेरी आपसे विनती है कि आप श्रीनिवास को सूचित कर दीजिए कि मैं यहाँ पर हूँ, यदि वो एक दिवस के भीतर मुझसे मिलने नहीं आता तो मैं ये मान लूंगी श्रीनिवास मुझसे प्रेम नहीं करता। और फिर भार्गवी राजकुमार बासु से कहती हैं, क्या मैं विश्वास कर सकती हूँ कि मेरी बात श्रीनिवास तक पहुँच जाएगी? और तभी कुमार बासु बुलाता अपने सैनिकों को और कहता इसी क्षण जाओ और श्रीनिवास को सूचित कर दो कि भार्गवी हमें मिल चुकी है, उसे एक दिवस के भीतर यहाँ आना है, यदि आवश्यकता हो तो उसे लेकर आओ, कहीं वो मार्ग भटक कर समय व्यर्थ ना करे। और फिर भार्गवी सैनिकों से कहती हैं, मेरे संदेश के साथ ये पायल भी श्रीनिवास तक पहुंचा देना। और फिर सैनिक उस पायल को ले लेते हैं। और फिर कुमार बासु कहता सैनिकों से, अब जाओ। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि राजकुमार बासु भार्गवी से कहता है, आशा करता हूँ कि कल तक श्रीनिवास यहाँ आ जाए। और कहता है, अब तुम्हें भी थोड़ा विश्राम कर लेना चाहिए भार्गवी, श्रीनिवास की जैसे ही कोई सूचना मिलेगी मैं तुम्हें सूचित करूंगा। और फिर भार्गवी कहती हैं, धन्यवाद कुमार बासु। और फिर आगे आप लोग देखेंगे भार्गवी जा रही होती हैं और तभी सैनिक देख रहे होते हैं। और जैसे ही भार्गवी चली जाती हैं, सैनिक कुमार बासु के समक्ष आते हैं और कहते हैं, असल में करना क्या है कुमार, हमें इतना तो समझ में आ गया, आपने जो कहा आपका मंतव्य वो नहीं था। और फिर कुमार बासु सैनिकों से कहता है, लौट जाओ अपने पिछले पड़ाव पर, यदि कोई मिले तो बोलना भार्गवी का कुछ पता नहीं चला और मैं अन्य मार्गों में भार्गवी को खोज रहा हूँ, क्योंकि अधिक समय तक मैं उन्हें नहीं मिला तो उन्हें संदेह हो जाएगा, अब जाओ। और फिर सैनिक चले जाते हैं और कुमार बासु कहता है, अब जो थोड़ा बहुत भी विश्वास है तुम्हारा श्रीनिवास पे वो भी नष्ट हो जाएगा भार्गवी, क्योंकि श्रीनिवास तो तब आएगा ना जब उसे सूचना मिलेगी। और फिर तभी श्रीनिवास कहते हैं, अभी तो तुम केवल इतना जानते हो बासु कि मैं और भार्गवी एक दूसरे से प्रेम करते हैं, किंतु ये प्रेम कितना गहरा है, कितना पवित्र है, इसका तुम्हें कोई अनुमान नहीं है। और कहते हैं, श्रीनिवास तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे सैनिक आकर मुझे सूचित नहीं करेंगे तो क्या मैं जाकर भार्गवी से मिल नहीं सकता? और कहते हैं, श्रीनिवास मैं और भार्गवी एक हैं बासु, हम दोनों का दुख भी एक है, हम दोनों का सुख भी एक ही है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि भार्गवी नारायण के मंदिर में होती हैं और श्रीनिवास कहते हैं, नहीं मैं तुम्हारे इस विश्वास को टूटने नहीं दे सकता, भार्गवी तुम्हारा श्रीनिवास तुम्हारे पास आ रहा है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे राजकुमारी पद्मावती आ जाती है श्रीनिवास के समक्ष और कहती है, हमारे साथ आने के उपलक्ष्य में मैंने आपके लिए अपने हाथों से भोजन पकाया है। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, पद्मावती ये सब करने की? और तभी राजकुमारी पद्मावती कहती हैं, मैं जानती हूँ कि आप क्या कहने वाले हैं, यही कहेंगे ना कि मुझे ये सब करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और कहती हैं राजकुमारी पद्मावती, किंतु मैंने अपने हाथों से आपके लिए भोजन पकाया है अपनी प्रसन्नता से। और राजकुमारी पद्मावती अत्यंत प्रसन्न होती हैं और कहती हैं, आइए। और कहती हैं, राजकुमारी पद्मावती स्मरण है श्रीनिवास, जब आपने भी अपने हाथों से मेरे लिए भोजन पकाया था उस दिवस में अत्यंत प्रसन्न थी श्रीनिवास, और आज मैं आपको प्रसन्न देखना चाहती हूँ। और कहती हैं, इस भोजन के पश्चात
मैंने ना बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए हैं और बताती हैं मैंने ना संगीत का कार्यक्रम आयोजित किया है और तत्पश्चात हम दोनों नदी के किनारे चलेंगे और कहती हैं आपको ज्ञात है वहाँ अति सुंदर झरना है, कितना आनंद आएगा ना जब हम दोनों साथ वहाँ भ्रमण करेंगे। और तभी श्रीनिवास कहते हैं बस पद्मावती, और आगे कहते हैं श्रीनिवास मैं और अपना समय व्यर्थ नहीं कर सकता, और बताते हैं राजकुमारी पद्मावती को मुझे अभी इसी क्षण करवीरपुर जाना होगा। और फिर राजकुमारी पद्मावती पूछती हैं ऐसा क्या आवश्यक कार्य आ गया श्रीनिवास, और फिर श्रीनिवास बताते हैं भार्गवी को मेरी आवश्यकता है और मुझे आभास है कि वो इस क्षण करवीरपुर में है, मुझे जाना होगा पद्मावती। और फिर पद्मावती कहती हैं ना आपको उसने कोई संदेश भेजा है और ना ही सहायता की कोई गुहार लगाई है, आपको इसलिए जाना है क्योंकि आपको आभास हुआ है। और फिर श्रीनिवास कहते हैं मैं जानता हूँ कि वो वहाँ पर है। और फिर राजकुमारी पद्मावती कहती हैं श्रीनिवास से और मेरा क्या श्रीनिवास, मेरे उन प्रयासों का क्या जो मैं आपके लिए कर रही हूँ। और बताती हैं आपको प्रसन्न करने के लिए मैंने अपने हाथों से भोजन पकाया, इतने सारे कार्यक्रम आयोजित किए किंतु आपको इन सब में कोई रुचि नहीं है। और फिर राजकुमारी पद्मावती कहती हैं यदि आपको मेरे प्रति कर्तव्य निभाने ही नहीं थे, यदि आपको मेरे इस प्रेम को स्वीकार ही नहीं करना था, यदि आपको हमारे इस संबंध को एक अवसर भी नहीं देना था आगे बढ़ने का, तो आपने मुझसे विवाह ही क्यों किया श्रीनिवास, हो जाने देते मुझे सती। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि श्रीनिवास पद्मावती के समक्ष जाते हैं और कहते हैं पद्मावती तुम कह रही हो कि तुम्हारी भावनाओं का कोई महत्व नहीं है मुझे, और बताते हैं तुम्हारे लिए मैं उस व्यक्ति से दूर रहा जिससे मैं प्रेम करता हूँ, जिसके लिए मैं वेंकट गिरी आया था, उस व्यक्ति को दुखी कर मैंने तुम्हारे साथ विवाह किया है, उस कारण से उसे कितना दुख पहुँचा है, मुझे कितना दुख पहुँचा है तुम भली भांति जानती हो। तुम कह रही हो कि मैं कर्तव्य नहीं निभा रहा, इतना कुछ करने के बाद भी तुम अब भी यही सोचती हो पद्मावती। और फिर पद्मावती कहती हैं क्योंकि यदि आपके लिए मेरी भावनाएं महत्व रखती हैं तो आप क्यों मुझे छोड़कर जाना चाहते हैं श्रीनिवास, और कहती हैं अभी हमें यहाँ आए हुए एक दिन भी नहीं हुआ है और आप ही ने कहा था कि हम जितना समय चाहें यहाँ रह सकते हैं। और फिर श्रीनिवास कहते हैं मैंने ये भी कहा था पद्मावती कि जैसे भार्गवी की सूचना मिलेगी मैं जाकर उसे ढूंढूंगा, और तुमने ये स्वीकार किया था। और फिर राजकुमारी पद्मावती कहती हैं स्वीकार किया था किंतु अभी तक कोई सूचना नहीं आई है श्रीनिवास, गुजरों का कोई संदेश नहीं आया है, क्योंकि इसलिए आपको ऐसा आभास हो रहा है कि उसे आपकी आवश्यकता है, आप मुझे यहाँ छोड़कर जाना चाहते हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे राजकुमारी पद्मावती श्रीनिवास के हाथ पकड़ के कहती हैं श्रीनिवास जैसे ही भार्गवी की कोई भी सूचना आएगी आप चले जाइएगा, मैं नहीं रोकूंगी आपको, लेकिन जब तक कोई संदेश नहीं आ जाता तब तक आप मुझे छोड़कर मत जाइए, मैं विनती करती हूँ आपसे मेरे हृदय को इतनी पीड़ा मत दीजिए श्रीनिवास। और कहती हैं राजकुमारी पद्मावती श्रीनिवास से आपने भी तो प्रेम किया है ना, और कहती हैं आपको आपके उस प्रेम की सौगंध। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि मंदिर में नारायण के समक्ष भार्गवी हाथ जोड़ के कहती हैं कल सूर्यास्त से पूर्व केवल एक बार उसे मेरे पास भेज दीजिए, कुछ क्षण के लिए ही सही। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि श्रीनिवास राजकुमारी पद्मावती से कहते हैं ठीक है किंतु जैसे ही भार्गवी की कोई भी सूचना मुझे मिलेगी मैं एक क्षण यहाँ नहीं रुकूंगा। और तभी राजकुमारी पद्मावती अत्यंत प्रसन्न होती है और कहती है स्वीकार है, और कहती है आगे राजकुमारी पद्मावती आप नहीं जानते आपने मुझे कितना प्रसन्न किया है श्रीनिवास, और कहती हैं आइए भोजन ग्रहण कीजिए। और तभी श्रीनिवास स्मरण करते हैं मुझे कोई ना कोई मार्ग निकालना होगा पद्मावती के हृदय को बिना दुखाए कल सूर्यास्त से पूर्व मैं भार्गवी तक पहुंच सकूं। और फिर भार्गवी कहती हैं नारायण मेरे हृदय को और दुख मत पहुँचाइए, जो विश्वास मुझे श्रीनिवास और मेरे प्रेम पर है उसे खंडित मत होने दीजिए, कल सूर्यास्त से पूर्व केवल एक बार उसे मेरे पास भेज दीजिए, कुछ क्षण के लिए सही, उसके पश्चात हम ना भी मिलें तो भी मेरे लिए पर्याप्त ही होगा। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे, तो अभी के लिए इतना ही।
तो मित्रों वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें। मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए राधे राधे।